हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बहुत ही डेलिशियस वेज थाली बनाएंगे। इसमें जीरा राइस, दाल फ्राई और मिक्स वेज होगा, वो भी बहुत ही टेस्टी। आप वीकेंड में अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो सबसे पहले हम जीरा राइस बनाएंगे। जीरा राइस बनाने के लिए हमने आधा चम्मच जीरा लिया है, 2 कटोरी उबले हुए चावल लिए हैं, कटा हुआ धनिया लिया है और 2 चम्मच घी लिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उबले चावल को डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर ऊपर से धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जीरा राइस तैयार है। अब हम दाल फ्राई बनाएंगे। दाल फ्राई बनाने के लिए हमने 1 कटोरी में चना दाल लिया है, जिसे कुकर में बॉईल करेंगे। कटा हुआ अदरक लहसुन लिया है, कटा हुआ टमाटर लिया है, कटा हुआ प्याज लिया है और कटा हुआ मिर्चा लिया है। मसालों में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लिया है। दाल फ्राई बनाने के लिए आप फ्राई पैन या कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ फ्राई पैन लिया है। इसमें हमने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम जीरा डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब जीरा गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब हम उसमें कटे हुए लहसुन, अदरक और मिर्चा डालेंगे और उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब कटे हुए प्याज डालेंगे और उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जब टमाटर हल्के गलने लगे तब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला में हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। आपके पास अगर किचन किंग मसाला ना हो तो आप सब्जी मसाला या चिकन मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। जब मसाले थोड़े लटकने लगे तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें बॉयल किए हुए चना दाल को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको दाल की ग्रेवी कम लगे तो आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। जब दाल में उबाल आ जाए तब हम उसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे।
लास्ट में धनिया पत्ता डालेंगे और मिक्स करेंगे। हमारी दाल तैयार हो गई है और ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट रेसिपी की, जो है मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाने के लिए कटा हुआ फूलगोभी, कटा हुआ आलू, कटा हुआ गाजर, कटा हुआ कैप्सिकम, मटर, पनीर, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्चा लिया है। हमने जो वेजिटेबल लिया है उन्हें डीप फ्राई कर लिया है, साथ ही गर्म किया हुआ दूध और कटा हुआ धनिया लिया है। मसालों में हमने 2 चम्मच शाही पनीर मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है। मिक्स वेज बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हमने 3 चम्मच रिफाइन ऑयल डाला है। जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें कटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्चा डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर 1 चम्मच नमक डालेंगे और इन सबको मिक्स करके थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। फिर हमने जो मसाले लिए हैं उसे इसमें डालेंगे और इन सबको मिक्स करके फ्राई करेंगे। जब मसाले थोड़े लटकने लग जाए तब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। फिर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे भी फ्राई करेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब हम सारे फ्राई किए हुए वेजिटेबल डालेंगे। और उन्हें मिक्स करके थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। फिर हम मटर डालेंगे और उसे भी मिक्स करके फ्राई करेंगे। जब ये लटकने लगे तब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि हमारे जो मटर है वो अच्छे से पक जाए। अब इसमें दूध डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और याद रहे गैस का फ्लेम लो ही रहना चाहिए। आप देख सकते हैं ये कितना लाजवाब दिख रहा है। यह दिखने में तो सुंदर है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसमें हर वेजिटेबल का स्वाद उभर कर आया है। अब लास्ट में कटा हुआ धनिया डालेंगे और सबको मिक्स करेंगे। हमारा मिक्स वेज तैयार हो गया। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने एक प्लेट पर जीरा राइस निकाल लिया है। फिर मैंने गार्निश करने के लिए रोस्ट किए हुए काजू लिए हैं। आप अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी में दाल फ्राई निकाल लिया है और ऊपर से ग्रेट किए हुए पनीर से गार्निश किया है। मैंने एक कटोरी में मिक्स वेज निकाल लिया है और उसमें भी ऊपर से ग्रेट किए हुए पनीर से गार्निश किया है। अब हम दाल फ्राई और पनीर को प्लेट पर सर्व करेंगे।
सलाद में हमने अपने पसंद के कटे हुए प्याज, कटे हुए बीट, कटे हुए गाजर और कटे हुए धनिया के कुछ पत्ते लिए हैं। आप अपने पसंद के सलाद ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमने पापड़ ऐड किया है। आप पिकल खाना पसंद करते हो तो पिकल भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप मीठे में कुछ खाना पसंद करते हो तो मीठा भी ऐड कर सकते हो। सो गाइस, आप भी वीकेंड में इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।